व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर बिजनेस। देखो देखो, आज मैं एक बार फिर से जो मैंने मुंबई के नज़दीक वाली सीरीज चालू की है, मतलब मुंबई मेन, मुंबई में नहीं लेकिन मुंबई से नज़दीक में 25 लाख से भी सस्ता 1 BHK, 16 लाख से भी सस्ता, सॉरी 16 लाख से भी सस्ता 1 BHK, 25 लाख से भी सस्ता 2 BHK, हाँ 2 BHK आपको 25 लाख से भी सस्ता मिलेगा। स्टेशन पे भाई आप देख रहे हो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, दबा के इधर पे क्राउड है, इतने सारे यहाँ पर कंपनीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज जो मैं प्रॉपर्टी रिव्यू करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने देखा रेलवे स्टेशन में उतरता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर बस सर्विसेज, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा सब कुछ मिल रहा था। तो मतलब ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप स्टेशन से कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो कनेक्टिविटी में देवेश भाई क्या मिल रहा है अपने को। तो आपको बस स्टॉप भी मिलेगा, मतलब बस मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, और शेयरिंग रिक्शा दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, और 11 नंबर भी, मतलब जैसे मैं जाता हूँ आप पैदल भी ऑब्वियस कहीं भी जा सकते हो। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको यहाँ पर सामने ब्रिज के उस तरफ JSW का एक बहुत बड़ा पब्लिक पार्क मिलेगा जो उन्होंने बनाया हुआ है, काफी बड़ा है। प्रोजेक्ट से नजदीक में अपना पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हो। थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो अधिराज का बड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब यहाँ पर अधिराज का बहुत कुछ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बुलडोजर हो, सब कुछ है। यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके पहले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब सॉफ्टवेयर, सिविल, हर तरीके की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, और अंतिम प्रोजेक्ट से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है ये। अब इसी के आगे डीमार्ट भी है, मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ। अंदर गया तो आप देख रहे हो डीमार्ट इतना बड़ा, अंतिम प्रोजेक्ट से 6 मिनट के डिस्टेंस पे, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज 5 मिनट है तो उससे आगे आओ 1 मिनट और लग जाएगा। तो ये डीमार्ट 6 मिनट के डिस्टेंस पे मोटा मोटी पकड़ लो। अब इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, जस्ट बगल में आपने इंजीनियरिंग कॉलेज देखा था, उसी के सामने जब हम लोग आगे जाएंगे तो अपना प्रोजेक्ट चालू होता है। लेकिन प्रोजेक्ट के भी आसपास में क्या है वो भी आपको देखना होगा। ये मेन रोड था, मेन रोड मैंने देखा यहाँ पर से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही थी। अंदर आते ही यहाँ पर मेरे को स्कूल भी दिख गया, ये हॉस्पिटल जो मैंने आपको दिखाया था उसके जस्ट बगल वाली गली, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के मतलब बस आते हैं, सब कुछ आता है। और उसी के सामने गली में ही स्मार्ट बाज़ार है जो रिलायंस का है शायद, मेरे हिसाब से इतना बड़ा स्मार्ट बाज़ार है। मतलब डी मार्ट भी अगर आपको जाने का मन करे तो ही आपको जाना है, वरना स्मार्ट बाज़ार तो बगल में है ही। सामने आ गया अपना ये प्रोजेक्ट, ये जुपिटर, इसका नाम जुपिटर है मुझे पता चला। और अंदर जाने पे मैं देखता हूँ भाई रेडी टू मूव बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 4 का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लिफ्ट वगैरह सब कुछ मिलता है, प्लस मेन चीज़ क्या है कि इसके बीच में जितनी भी जगह आपको दिखेगी ना वो पूरा ओपन स्पेस है, मतलब गार्डन, किड्स प्ले एरिया, बैठने की जगह, शाम को मम्मी पापा आप लोग चिल कर सकते हो, और नीचे पार्किंग स्पेस है। अब यहाँ से आप देखोगे दोनों साइड में बिल्डिंग है, ये तो एल शेप में है यहाँ पर, और इसके बगल में भी आप देखोगे इस तरीके का एल शेप में एक और बिल्डिंग है। दो बिल्डिंग अपने को मोटा मोटी यहाँ पर देखने को मिला। अब इसके अंदर मैं सैम्पल फ्लैट भी दिखाना चाहता था, मेरे साथ तो कोई था नहीं, बट मैंने पता किया, चाबी ली, खुलवाया, मैंने बताया डेवलपर को कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ ये वो, तो उनको तो पहले समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, तो मैंने उनको अपने वीडियो वगैरह सब कुछ दिखाया, तब जाके उनको समझ में आया कि अच्छा ये रिव्यू डालता है, फिर वहां से किसी को अच्छा लगता है तो लोग कॉल करके आते हैं। तो मैंने उनको ये सब बताया और उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरे को और अच्छे से रिव्यू करने को मिला। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि ये प्रॉपर्टी 100% टाइटल क्लियर है, कोई भी यहाँ पे लोन करा सकता है। डाउन पेमेंट अगर आप एक, जैसे मैंने सबसे सस्ता डाउन पेमेंट या सबसे कम डाउन पेमेंट 1 लाख लाया है, कि अगर आप 1 लाख डाउन पेमेंट करते हो तो भी बाकी का लोन हो जाएगा। लेकिन यहां पे मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में अगर आपके पास सिर्फ 21,000 रुपए भी है ना डाउन पेमेंट करने के लिए तो भी आपका लोन हो जाएगा। यहां पर झूला वूला लग रहा था, काम चालू था, मतलब गार्डन में थोड़ा चीजें वो लोग और बना रहे, डेवलप कर रहे हैं, तो यहां पर हर एक चीज का यहां पर बना हुआ सामान मिल रहा था। अब इसके बाद एक चीज जो मुझे पता चली वो ये है कि यहां पर रेंटल बेनिफिट भी अच्छा है। मतलब अपने बहुत सारे भाई हैं जो सऊदी से, दुबई से, इंडिया के बाहर से, मेन मुंबई से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आप देख रहे हो बैठने का कितना ऑप्शन है। और पीने का पानी, हाँ लोग मुझे पीने के पानी के बारे में भी पूछते हैं, वो भी अवेलेबल है। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भाई मुझे हमेशा मेंटेनेंस के बारे में पूछते रहते हैं कि देवेश भाई मेंटेनेंस का क्या हिसाब है, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे पार्किंग की कितनी जगह है, उसके बाद बिल्डिंग में लिफ्ट भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो मेंटेनेंस यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 रुपए के आसपास पर स्क्वायर फीट आपको पड़ने वाला है। सामने लिफ्ट आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक लिफ्ट तो नहीं था बट जो था वो मैंने आपको दिखाया।
अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले अपना सैम्पल फ्लैट अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस सैम्पल फ्लैट में मैं आपको बता दूँ, जो जो चीज़ें आपको करा के दे रहे हैं ना, सब कुछ मिलने वाला है। जैसे कि ये फ़ैन आप देख सकते हो, LED लाइट, दो दो फ़ैन है, दोनों फ़ैन आपको लगा के मिलेगा, LED लाइट्स आपको लगा कर मिलेंगी। और ये जो ऊपर फॉल सीलिंग देख रहे हो ना, लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं फॉल सीलिंग कराने के लिए, क्योंकि उससे थोड़ा और सुंदर दिखता है अपना घर। लेकिन ये सब डेवलपर खुद आपको करा के दे रहा है, तो ये भी मुझे पता चला। बाहर आप बैल्कनी देख रहे हो, सुंदर सी बैल्कनी है, स्पेशियस बैल्कनी है। इसी के सामने मैं आपको एक 2 BHK भी है, वो भी दिखाऊंगा इस, मतलब ये जो रिव्यू कंप्लीट होगा अपना, तो मैं उसके अंदर भी जाके दिखाऊंगा। यहाँ से आप बिल्डिंग का व्यू देखो, बिल्डिंग एकदम सुंदर लगती है, मतलब कलर वलर करके सब कुछ रेडी हो गया है। और मैक्सिमम तो मुझे लग रहा था कि 50-60% लोग तो ऑलरेडी रहने के लिए भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि भीड़ थी, नीचे गाड़ियाँ पार्क थी इतनी सारी। ये आ गया अपना, ये देखो मस्त सा शावर है, आराम से घुमा फिरा के धो सकते हो। एनीवेज ये अपना बाथरूम का एरिया हो गया, और ऊपर माला भी है, मतलब पानी की टाँकी या कुछ सामान, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं अपने घर पे भी, पानी का टाँकी के बाद जो जगह बचता है उसमें घर का जो भी सामान रहता है सब ठूस देते हैं। अब ये हो गया अपना किचन एरिया, किचन में RO आपको लगा के मिल रहा है मेन बात। और नीचे ये सेमी फर्निश्ड अपने को ये मिलता है, क्या कहते हैं इसको, मॉड्यूलर किचन। तो आपको सब कुछ देखो, आपने देखा बाहर आपको लाइट, फ़ैन, फॉल सीलिंग, RO, मॉड्यूलर किचन, हर एक चीज़ आपको डेवलपर पहले से ही लगा के दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज के डेट में भाई कोई भी, अभी जैसे इसका 1 BHK आप देखोगे ना, मैं लास्ट में प्राइस बताऊंगा आपको, 15,99,000 में आपको 1 BHK मिल रहा है, वो भी इतनी सारी चीज़ों के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हो अटैच वॉशरूम, बाथरूम, वेस्टर्न टॉयलेट, और पानी का स्पीड भी अच्छा था तो काम हो जाएगा। इसके सामने आप देखोगे आपको बेडरूम में भी बैल्कनी मिल रहा है। अभी मैं आपको 2 BHK वाला अपार्टमेंट भी दिखाऊंगा, 2 BHK अपार्टमेंट अभी दिखाना बाकी है। बैल्कनी का स्पेस इसका थोड़ा सा पतला था बेडरूम वाले का, लेकिन हॉल वाले का बहुत अच्छा था। ऊपर मैं लेके आया आपको 2 BHK अपार्टमेंट का, भाई साहब मुझे ज़्यादा अच्छा क्या लगा बताए, 2 BHK का हॉल साइज़ और बड़ा था, प्लस विथ आपका ये वो खाना खाने वाली जगह, डाइनिंग स्पेस भी आपको मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि 2 BHK अपार्टमेंट है तो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम डुअल प्लेटफॉर्म अपने को मिल जाए, डाइनिंग स्पेस मिल जाए। बैल्कनी तो आपको हर बिल्डिंग में ही मिलती है, मतलब बॉम्बे में तो बहुत कम ही मिलती है, बट एनीवेज यहाँ पे आप देखोगे, अभी अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। आपका ये कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया हो गया, और सामने आपका किचन हो गया। अब इसके अंदर डुअल प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन किचन का साइज़ बड़ा था, ऑब्वियसली 2 BHK अपार्टमेंट है तो साइज बड़ा था, तो वो यूज करने को मिलता है। और अटैच बैल्कनी आप देख रहे हो कि कितना, मतलब फ्लोइंग बैल्कनी आप बोल सकते हो उसको, इतना बड़ा उसका साइज था। अब इसके बाद मैं आपको पहला कॉमन बेडरूम हो गया वो भी घुमा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर भी वही अटैच बैल्कनी है जो फ्लोइंग बैल्कनी में आपको बता रहा था। अब यहाँ पर से मैं बाहर लेके चलूंगा दूसरा बेडरूम। इसके अंदर अपने को अटैच वॉशरूम बाथरूम भी मिलता है, मतलब मास्टर बेडरूम, ऑब्वियसली 2 BHK अपार्टमेंट है तो एक तो मास्टर बेडरूम होना ही चाहिए, और वो इसके अंदर है। सारी डिटेल्स अभी प्राइस रिलेटेड मैं आपको आगे एक एक करके सब बताता हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि जो मैंने प्रॉमिस किया था, मुंबई के नजदीक वाली सीरीज जो मैं चालू कर रहा था, मुंबई में लोग हैं 1-2 करोड़ का फ्लैट नहीं ले पाते, उससे थोड़ा नजदीक आते हैं मीरा रोड भाईंदर में भी 1 BHK 50-60-70 लाख रुपए तक जा रहा है। उसके बाद आगे आओगे तो विरार में भी आपको 35-40 लाख रुपीज तक का 1 BHK पड़ रहा है। आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए भी 5-6 लाख रुपए नहीं है, बजट भी उतना ज्यादा नहीं है, उतना लोन भी नहीं हो पाएगा, तो क्या किया जाए। तो ये जो मैंने सीरीज चालू की है, जहां पर मुंबई के नजदीक में अगर 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका जो बजट है, सबसे पहले तो वो 20 लाख रुपए के नीचे है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज मिल रही है, उसको लेने के लिए डाउन पेमेंट आपको 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए का नहीं करना है। यहां पर अगर आप 21,000 रुपए भी पेमेंट करके बुकिंग अमाउंट दे देते हो, तो आपका बाकी सब कुछ लोन हो जाएगा। मेरी भी किस्मत देखो इतनी खराब कि भाई जैसे ही मैं अभी प्राइस बताने वाला था, वैसे ही भाई मेरी बैटरी खत्म हो गई। लेकिन एनीवेज अभी तो मैंने आप लोगों के सपोर्ट से आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB ले लिया है, तो अब कभी बैटरी की, स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एनीवेज मेन मुद्दा जो था वो मैं कवर करता हूँ। अभी मैं फिलहाल पनवेल में आया था शूट करने के लिए, और एक प्रॉपर्टी रिव्यू कर रहा था मैं, और जैसे ही एडिट करने गया मैंने देखा भाई लास्ट वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं यहीं पे शूट करके आपको बता देता हूँ। और इसके अंदर मैंने एक ट्विस्ट रखा है। अभी तक जितना भी वीडियो आपने देखा है, मेरा रिव्यू देखा है, मुंबई के पास वाला ये आप देख रहे हो, बोईसर वेस्ट में ये प्रोजेक्ट है,
वो ही सर ईस्ट में है प्रोजेक्ट, है वेस्ट में नहीं है। अब यहाँ पे कैसा है कि ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो 1 BHK आपको 15,99,000 में ऑल इंक्लूसिव मिल रहा है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मुंबई से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली, और 1 BHK अपार्टमेंट, 1 R के अपार्टमेंट भी नहीं, 1 BHK आपको 15,99,000 में ऑल इंक्लूसिव पूरा नाम पे करा के स्टिल नेगोशिएबल। तो आप सोच के देख लो कि भाई कितना अच्छा सौदा आपको मिल रहा है। जितने भी लोग मुंबई से ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, कितना अच्छा ऑप्शन है। ट्विस्ट की जो मैं बात कर रहा था कि इस वीडियो में मैंने ट्विस्ट रखा है, वो ये है कि इसके अंदर 2 BHK की प्राइसिंग के लिए आप डेवलपर को कॉल करो। डेवलपर को भी पता चलना चाहिए कि हमारे जो रिव्यू हम बनाते हैं, जो 60,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, उनकी पावर क्या है, उनके अंदर कितना जोश है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बजट में प्रॉपर्टी देखने के लिए। हमारे सब्सक्राइबर्स की थोड़ी पावर उनको दिखाओ, क्योंकि थोड़ी बातचीत हुई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में भी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर 2 BHK ना 40 लाख का है, ना 35, ना 30, ना 25, 25 से भी सस्ता 2 BHK अपार्टमेंट है। लेकिन कितना सस्ता, कितने का, वो अगर आपको जानना है तो आपको स्क्रीन में नंबर दिया है, डायरेक्ट उनको आप कॉल करो, बताओ। व्हाइट कॉलर का हमने वीडियो देखा है, स्पेशल प्राइसिंग 2 BHK की क्या पड़ रही है, 1 BHK 1599 ऑल इंक्लूसिव बता दिया है मैंने आपको। बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा, आप हमेशा की तरह मुझे जैसा आप ऑनेस्ट फीडबैक देते हो आप दो। कमेंट्स में देखो पनवेल के लिए आ रहा था कि हाईवे टच प्रॉपर्टी चाहिए, वो मैं आज बनाने के लिए आया था। टायरिंग डे, बुरा दिन खत्म होता है, मैं साइन ऑफ करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं फटाफट से इसको एडिट करके लाइव करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।